हेलो फ्रेंड्स, आई एम गामी सफीरा। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। तो हमने देखा था चैप्टर का नाम क्या था, सूरज सा चमके। बच्चों, आज हम जो पोएम सीखने वाले हैं वो पोएम में आज संसार में जो छल कपट और स्वार्थ की बोलबाला है और व्यस्त जीवन में भाग दौड़ में चलते लोग अपने में ही सीमित कर रह गए हैं। किसी के दुख तकलीफ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। ऐसे में यह कविता हमें यह सिखाती है कि हम सभी को अपना माने और मिलजुल कर सुख दुख बांटे और प्रेम की सुगंध से इस धरती को महका दे। तो चलो बच्चों, ये पोएम सीखेंगे। सुमन बने हम क्यारी के बन उफन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक धरा है एक गगन है, सबके खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सामन है। आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि जैसे एक उफन में बहुत सी क्यारियाँ होती है, उन क्यारियों में खिले सुंदर रंग बिरंगी फूल सारे उफन को महका देते हैं, वैसे ही इस धरती रूपी उफन को हम प्रेम और सद्भाव की सुगंध से भर दे। जैसे सूरज की चमक सारी धरती को प्रकाश से भर देती है, वैसे ही हम ज्ञान और सद्गुणों की चमक से पूरी धरती को प्रकाशित कर दे। बच्चों, कविता में किस तरह से महकने की बात की गई है? कविता में फूलों की तरह महकने की और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है। कवि जिस तरह से कहते हैं ना कि एक उपवन में बहुत सारी क्यारियाँ होती है और उनमें अलग अलग जो रंगे बिरंगी सुंदर फूल खिलते हैं और सारे उपवन को महका देते हैं, वो डिफरेंस नहीं रखते किसी में कि हमें यहाँ ही महकना है और वहाँ नहीं महकना है ना, मगर सारे उपवन को महका देते हैं। उसी तरह से हमें भी हमारी जो धरती रूपी उपवन है उसमें हमें प्रेम और सद्भाव, हर लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए और सद्भाव से अच्छा भाव होना चाहिए मन में, है ना। जैसे सूरज की चमक सारी धरती को प्रकाश से भर देती है, वैसे ही हमें ज्ञान और सद्गुणों की चमक से पूरी धरती को प्रकाशित करना चाहिए। यानी कि जैसे सूरज भी कभी ऐसा थोड़ी ना बोलता है कि मैं इन लोगों को ही प्रकाश दूंगा और उन लोगों को मैं प्रकाश नहीं दूंगा। चलो आज तो सब लोग मुझे दांत रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो सूरज के पास से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपना काम, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति देखेंगे। एक धरा है एक गगन है, सबके खातिर एक पवन है। यानी हमारी धरती एक है, आसमान भी एक है और हवा भी सबके लिए एक जैसी ही बहती है, है ना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब में एक ही धरती है। यहाँ जैसे कलर अलग अलग हो गए मगर धरती तो एक ही है ना, और आसमान भी एक है तो, और हवा भी सबके लिए एक जैसी ही बहती है ना। तो उसी तरह से तो कवि हमें कहते हैं, जब प्रकृति ही हम मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करती तो फिर हमारे मन में एक दूसरे से भेदभाव क्यों है और हमारे मन एक दूसरे से अलग क्यों है? हम क्यों सबको एक जैसा नहीं समझते? एक धरा है एक गगन है, सबके खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है। आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। यानी कवि कहते हैं कि हम सब एक है तो हमें भी हमारे मन में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम क्यों सबको एक जैसा नहीं समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया है कवि ने। हमारी भावनाएं सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं है? तो कवि कहते हैं, आओ हम सब प्रेम से भरे कलश बन जाए और सबके हृदय को प्रेम के अमृत से भर दे। यानी हम सब की भावनाएं एक जैसी होनी चाहिए और किसी में भी हमारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कलश
एक कलश होता है तो उसमें जो भी कुछ भरते हैं तो वो एक जैसा बन जाता है ना, उसी तरह से प्रेम से भरे कलश बन जाने की कवि ने बात की गई है कि हमें क्या करना है, हम सबके दिलों में प्रेम और अपनेपन का भाव जगाकर उन्हें एक बना सकते हैं। ये दो पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमें आज के ज़माने में जैसे छल कपट है उस तरह का स्वार्थ का ही भाव हमें रखना नहीं चाहिए, मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह से एक मन से सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं कवि, कविता में कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकना और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है, और कवि ने दोस्त शब्द का प्रयोग सभी मनुष्य के लिए किया है ना। और क्या बोला गया है कि हमें सबके दिलों में प्रेम और अपनेपन का भाव जगाकर उन्हें एक बना सकते हैं। सबको अपना कैसे बना सकते हैं, पहले तो अपने दिलों में प्रेम और अपनेपन का जो भाव होगा उन्हें जगाकर हमें हर इंसान को अपना बना सकते हैं। कवि ने प्रकृति के धरती गगन और पवन को एक जैसा बताया है, तो उसी तरह से हमें भी एक जैसा ही रहना चाहिए। और कवि ने हमसे कौन सा प्रश्न पूछा है, कवि कहते हैं कि जब सबकी धरती एक है और गगन एक है, पवन भी सबके लिए एक ही बहती है, तो फिर हमारे मन बटे बटे क्यों है। बच्चों आज हम यहाँ तक ये पोएम सीखेंगे और नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, मगर आज आपका होमवर्क है, ये जो पोएम है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। आपको ये पोएम वन टाइम लिखना है क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं है इसलिए, और आपको लर्न करना है क्योंकि ओरल एग्ज़ाम में ये पोएम पूछी जा सकती है, तो अभी से आप उसकी प्रिपरेशन करना। ओके, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।